हे गाइस, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में जो है कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइंस। तो जो कंपाउंडिंग होता है वो आजकल जो नए नए बॉयलर्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और फिर जो प्रेशर ड्रॉप होता है बॉयलर प्रेशर से और कंडेंसर प्रेशर तक, तो जो बीच में स्टीम एक्सपांड होता है वो बहुत हाई वेलोसिटी हो जाती है। और जब ये हाई वेलोसिटी की स्टीम एक सिंगल टर्बाइन पे जाके स्ट्राइक होती है एक मूविंग ब्लेड के अपने टर्बाइन के, तो जो ब्लेड की स्पीड हो जाती है वो 30,000 RPM तक बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, जिसके वजह से ब्लेड्स टूट सकती है और बेरिंग्स ख़राब हो सकती है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सारे हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं जो ये प्रेशर जो है एक्स्ट्रा स्टीम का एब्जॉर्ब कर ले और वेलोसिटी है वो भी रिड्यूस कर ले, रोटर स्पीड की, जो रोटर रहता है स्टीम का उसका वेलोसिटी रिड्यूस करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो व्हाट इज़ कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन, द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन। जैसे मैंने अभी बोला, जो हाई हो जाती है 30,000 RPM तक, तो उसकी स्पीड हमें रिड्यूस करनी चाहिए ताकि वो सेफ हो, उसका वर्किंग सेफ हो, हमें ज़्यादा खर्चा ना दे दे, तो इसके वजह से कंपाउंडिंग करते हैं। तो अभी जो कंपाउंडिंग रहती है वो तीन तरह की रहती है, एक रहती है वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन, एक होता है प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन और एक होता है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन। तो हम पहले देखेंगे वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन, जिसे हम कर्टिस टर्बाइन के नाम से भी बुला सकते हैं, जिसे कर्टिस टर्बाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लेड्स रहते हैं, यहाँ पे ये फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है, अगेन फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है और अगेन ये फिक्स ब्लेड है, और यहाँ पे नोजल है जिसमें जो प्रेशर एनर्जी रहती है स्टीम की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब ये नोजल में से स्टीम निकलती है वो पहले मूविंग ब्लेड को स्ट्राइक होती है और वो मूविंग ब्लेड को घुमाती है, फिर जैसे ही मूविंग ब्लेड ने काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, फिर जो स्टीम रहती है वो बढ़ती है इस फिक्स ब्लेड की तरफ, और ये फिक्स ब्लेड कुछ नहीं करती, ये सिर्फ जो डायरेक्शन है, आप जो ये रेड कलर की लाइंस देख रहे हैं इसे सिर्फ डायरेक्शन देती है ये जो दूसरी ये वाली जो मूविंग ब्लेड है उसकी तरफ, फिर वहाँ से स्टीम यहाँ पे जाएगी और ये मूविंग ब्लेड को घुमाती है, फिर थोड़ी सी जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की वो यहाँ पे वापस एब्जॉर्ब होती है, फिर अगेन ये फिक्स ब्लेड की तरफ स्टीम जाती है, यहाँ पे ये भी सिर्फ जो स्टीम आ रही है यहाँ से ये वाले मूविंग ब्लेड से उसको डायरेक्शन देती है यहाँ पे, और वापस ये जो ये वाली मूविंग ब्लेड है वहाँ पे स्ट्राइक करती है स्टीम को, और फिर ये जाता है कंडेंसर प्रेशर की तरफ। अब हम यहाँ पे जो ग्राफ देखेंगे तो ये जो इंडिगो कलर की लाइन है ये है प्रेशर, आप ये लेबलिंग पे मत ध्यान दीजिए ज़्यादा, यहाँ पे ये लाइन है जो प्रेशर की है, जो जैसे ही स्टीम नोजल की तरफ जाता है तो जो प्रेशर है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है, तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है और अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहता है कंडेंसर प्रेशर तक, और फिर ये जो लाइन है यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर की, ये है वेलोसिटी। जैसे ही नोजल से स्टीम बाहर आती है तो पहले तो हाई वेलोसिटी रहती है, फिर धीरे धीरे हर मूविंग ब्लेड पे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन रहती है वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ही होती है, सिर्फ यहाँ पे मूविंग ब्लेड के लिए कुछ भी वेलोसिटी लॉसेस होते नहीं हैं, कुछ भी लॉस होता है वो सिर्फ होता है फ्रिक्शन लॉस। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है, और जितने स्टेजेस हम बढ़ाते जाएंगे उतनी वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है, जो टोटल प्रेशर ड्रॉप रहता है एक टर्बाइन में वो एक सिंगल टर्बाइन से नहीं होता है, वो बहुत सारे नोजल के थ्रू जाते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी में देखा था
वहाँ पे फिक्स ब्लेड था, मूविंग ब्लेड था, वैसे ही यहाँ पे होगा नोजल और मूविंग ब्लेड्स। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये नोजल है, नोजल में जो वेलोसिटी, जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी वेलोसिटी में, और ये यहाँ पे जो मूविंग ब्लेड है उसको स्ट्राइक करेगी। फिर ये मूविंग ब्लेड है वो घूमेगी, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो स्टीम अगेन जाएगी ये सेट ऑफ नोजल की तरफ, फिर ये सेट ऑफ नोजल अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा और यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये मूविंग ब्लेड को, और वैसे ही आगे आगे पूरा प्रोसेस होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एग्जॉस्ट रहता है मूविंग ब्लेड रिंग का वो नोजल की तरफ भेजा जाता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम ये ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पे जो है ये वेलोसिटी है, पहले जब नोजल के थ्रू स्टीम जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब ये मूविंग ब्लेड की तरफ जाता है यहाँ पे, तब वो वेलोसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो मूविंग ब्लेड एब्जॉर्ब कर लेती है, मूविंग ब्लेड में ट्रांसफर हो जाती है। फिर उसके बाद वापस इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर अगेन वो सेट ऑफ नोजल से जाता है, अगेन उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंड अगेन वो मूविंग ब्लेड की तरफ स्ट्राइक करता है और उसको घुमाता है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हर स्टेज पे कम होते जाता है, जैसे जैसे नोजल से स्टीम गुजरता जाता है यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप दिखाई देता है। तो ये हो गई प्रेशर कंपाउंडिंग। अब ये दोनों में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेजेस है, तो ये डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होता है, इसमें जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है वो दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले में एक फिक्स नोजल होगा, फिर एक मूविंग ब्लेड, फिर यहाँ पे ये फिक्स ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड, और फिर अगेन वो नोजल से जाएगा, फिर यहाँ पे अगेन एक फिक्स ब्लेड होगा, सॉरी यहाँ पे ये मूविंग ब्लेड है, यहाँ पे ये फिक्स ब्लेड है, और यहाँ पे अगेन ये मूविंग ब्लेड है। यहाँ पे लेबलिंग की तरफ ध्यान मत दीजिए दोस्तों, मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये जो ब्राउन कलर का है वो आपके मूविंग ब्लेड्स होंगे, और ये जो रेड कलर के हैं वो आपके फिक्स्ड ब्लेड्स होंगे, और ये अगेन आपके मूविंग ब्लेड्स होंगे। तो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग है वो दोनों का एक मिला जुला रूप होता है। तो पहले अपना जो स्टीम आएगा वो फिक्स नोजल से जाएगा, मूविंग ब्लेड को स्ट्राइक करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको देगा, फिर वो आएगा फिक्स ब्लेड की तरफ, फिक्स ब्लेड उसको डायरेक्शन देगा, और फिर वो वापस मूविंग ब्लेड में जाएगा जहाँ पे वापस वो अपनी काइनेटिक एनर्जी शेयर करेगा उससे, और फिर अगेन वो नोजल में जाएगा जहाँ पे वापस उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, और जो इनिशियल स्टेज है वो रिपीट होगा। अब हम इसका प्रेशर और वेलोसिटी डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो इंडिगो कलर का लाइन है वो प्रेशर का है, तो यहाँ पे प्रेशर पहले नोजल में डिक्रीज होता है, फिर एक इक्विलिब्रियम, एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है, कांस्टेंट रहता है, फिर अगेन जब वो स्टीम यहाँ पे ये दूसरे नोजल से पास होता है तो अगेन प्रेशर ड्रॉप होता है, और फिर अगेन वो एक कांस्टेंट स्टेट पे आ जाता है। और रही बात वेलोसिटी की, तो ये जो डॉटेड लाइंस है, एज जो स्टीम एक बार नोजल में चली जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड से गुजरेगी वेलोसिटी कम होते जाएगी, फिर यहाँ पे बीच में कांस्टेंट रहेगी जब तक वो दूसरे नोजल में नहीं जाती, और जैसे ही वो दूसरे नोजल में जाती है अगेन उसकी वेलोसिटी बढ़ के अगेन वो अपनी जो एनर्जीज है वो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड्स के साथ शेयर करेगा। तो जो कंपाउंडिंग है उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, इसमें जो हीट ड्रॉप रहता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है नंबर ऑफ स्टेजेस से, और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें टर्बाइन की, और जो ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशो रहता है वो डिक्रीज होता है नंबर ऑफ स्टेजेस, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस हम बढ़ाते जाएंगे कंपाउंडिंग के उतना ही कम ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशो मिलेगा, फिर कॉस्ट ऑफ टर्बाइन कम हो जाता है, तो प्रेशर ड्रॉप है वो नोजल में होता है, तो जो टर्बाइन केस है, जो टर्बाइन का कवर रहता है
उसको हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है नोज़ल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।